Hey guys, welcome to my channel and a very good morning to you all. आज है सैटरडे एंड अभी बजा है सुबह का 7 बजे. आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. सो देखते रहिए मेरे साथ आगे का वीडियो. हे गाइस, मैंने शावर ले लिया है और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. मैं आज का ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. ब्रेकफास्ट जो कि मैंने खत्म कर लिया है. तो चलिए आज मैं आप लोगों को मेरे मामा के घर लेके चलती हूँ. वो दुकान जो आप लोग देख पा रहे हो, ये है हम लोगों का दुकान और मैं भी जा रही हूँ मेरे मामा के घर, जो कि वो है मेरे भाई निकला है अभी घर से. गप्पे मार रहा है मेरा भाई. एंड आई एम गोइंग टू माय मामाज हाउस. ये है मेरा मामा का घर. ये है मेरा मामी. हाय, सभी कैसे हैं? सॉरी, मामी को अच्छे से हिंदी नहीं आता है, लेकिन मैंने बोला है कि आप कुछ पूछ लो मेरे व्यूवर्स से, इसीलिए मामी ने थोड़ा कुछ बोला है. मामा के घर का मंदिर जहाँ पे शिवलिंग इधर है और इधर है माता तुलसी. टिया, इसका निकनेम है टिया और इसका असली नाम है यस. और ये है रोहित. हाय बोलो सबको. हाय, कैसे हो तुम? अच्छा. सबको भी पूछो, तुम्हारा तो तुमने बोल दिया, अभी सबका भी पूछ लो एक बार. कैसे हो? ये देखो, ये है रोहित, ये मेरा मामा का लड़का है और ये छोटा है. ये है कितना स्टैंडर्ड में? 7th स्टैंडर्ड में और ये अभी 10th में. अभी हम लोग ढेर सारे गप्पे लड़ाएंगे, सो इसीलिए मैं अभी कैमरा को टच नहीं करूंगी और थोड़ी देर हम लोग गप्पे लड़ाएंगे. सो आप लोग देखते रहिए आगे का वीडियो और एंजॉय करते रहिए. के बाद मैं घर आ गई थी. गाइस,
लिए आज आप लोग के साथ कुछ दो रेसिपीज शेयर करते हैं। ये है लाई शागी यानी कि स्पिनच फ्राई। यदि आपके साथ प्रोसेस शेयर करते हैं। साग के लिए प्रिपरेशन कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन के कलिए लिए हैं, जिसको मैं इस तरह से एक नाइफ की हेल्प से इस तरह दबाऊंगी और इसको पीस लूंगी। इस तरह से मैं सारे लहसुन के कलियों को अच्छे से पीस लूंगी। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें हम लोग दो ड्राई रेड चिलीज के छौंक लगाएंगे और उसमें डालेंगे लहसुन जो हम लोग घिस के रखे थे। जैसे ही ये फ्राई हो जाए इसमें हम लोग डाल देंगे जो साग हम लोगों ने काट के रखा था। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। के बाद इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके पानी सूखने तक इसको फ्राई करते रहेंगे, वो भी धीमी आंच में। जैसे ही इसका पानी सूख जाए इसको हम लोग थोड़ी देर फ्राई करके फिर इसको सर्व कर लेंगे एंड इट इज रेडी टू सर्व। छोटी मच्छी जिसको बंगाली में कहा जाता है बोड़ियाला माछ, मुझे अभी पता नहीं है कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इसको बंगाली में बोड़ियाला माछ कहते हैं। इसके लिए हम लोग को एक मिक्सिंग जार में हम लोग लहसुन लेंगे, प्याज मीडियम साइज का एक चॉप करके लेंगे और हम लोग लेंगे ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज आप लोग अपने स्वाद अनुसार ले। इसके बाद इसमें डाले कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद बोड़ियाला माछ में हम लोग एक छोटा साइज का प्याज चॉप करके डालेंगे। ये देखिए पेस्ट का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ये पेस्ट हम लोग डाल देंगे छोटी मच्छी मतलब बोड़ियाला माछ में। के बाद हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर, एक बड़ा साइज का टमाटर चॉप करके हम लोग इसमें डालेंगे और डालेंगे द मेन इंग्रेडिएंट, ये है लाई साग यानी कि स्पिनच। स्पिनच हम लोगों ने एकदम जूलियन शेप में काट दिया है और इसको इधर ऐड कर दिया है। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर एंड जीरा पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डालें इसमें। और अगर ये रेसिपी आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो मैं बोलूंगी कि आज ही ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड आई एम श्योर आपके फैमिली मेम्बर्स सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद करेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको मिक्स करके मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसी दौरान मैं कढ़ाई को गरम कर लूंगी। कढ़ाई गरम होते ही उसमें तेल डाल दूंगी और वेट करूंगी कि तेल कब गरम हो जाए। एक बार तेल गरम हो जाए तो उसमें मैं मैरिनेट किया बोड़ियाला माछ तेल में छोड़ दूंगी और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके
धीमी आंच में ढक के इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम लोग ढक्कन हटाएंगे। वाओ, देखिए लग रहा है ना टेस्टी ये डिश। अभी हम लोग आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका जो ग्रेवी है उसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी इसको बिना तिरछी लगाए ऐसे ही पकने दे लो स्टीम में। उसी दौरान मैं कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से वॉश करके इसको अच्छे से चॉप कर लूंगी। हमारा फिश पक के तैयार हो चुका है। इसी दौरान हम लोग कोरिएंडर लीव्स इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एंड इट इज रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और आज का मेरा ये इवनिंग ऐसे ही मम्मी के साथ लूडो खेलते हुए 9 बज गया। सो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बस ऐसे ही बीता हम लोगों का आज का दिन। चैनल की ये पहली पर्सनल व्लॉगिंग वीडियो आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।